बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल और मूंग दाल की रेसिपी। इसको हम मटन के साथ पकाएंगे। ये मूंग दाल है, चुलमुत मूंग, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं। यहाँ पर हमने लिया है मटन आधा केजी। इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश किया है। अब हम लेंगे एक बर्तन, इसमें हम दाल ऐड करेंगे। और मटन को हम अलग से पकाएंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन 4 कलियां। हमें मटन में भी डालना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, आप कम भी डाल सकते हो, 1 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हो। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। फिर हम इसे पकने के लिए रहने देंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। अब हमें प्याज को फ्राई करना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची 2 और 1 प्याज। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन तक। ये फ्राई हो चुका है। अब हम दाल को चेक करेंगे, ये गल चुकी है। दाल गल चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। फिर हमने इसमें ऐड किया है मटन स्टॉक। इसमें हमने फिर से ऐड किया है रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ये गरम तेल है। अब यही तड़का हम दाल में डालेंगे। अब हम इसे फिर से पकने के लिए रहने देंगे, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाएगी तब तक। ये देखिए, हमारी दाल और मटन बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नई किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।